मेरा नाम मिसबा यूनस है। मैं 14 साल की उम्र में बैत मरियम में रहती हूँ। मुझे चलने में तकलीफ होती थी, मेरे सांस का मसला होता था और बिल्कुल मैं अकेले रहती थी। मुझे सांस की तकलीफ होती थी, जब बच्चे खेलते थे तो मैं साइड पे बैठ जाती थी अकेले में। मेरी मामा मेरी वजह से रोती रहती थी, उनके पास इतने मसाइल नहीं थे ना इतने पैसे थे कि मेरा इलाज करवा सकती। ऐसे लगता जैसे मैं मरने वाली थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ख़त्म होने वाली। फिर मैं हॉस्पिटल लेके गई, उन्होंने कहा कि बच्ची के दिल का मसला है। मैंने 5-6 लाख मांगे, मैंने कहा मेरे पास इतनी नहीं गुंजाइश। मेरे शोहर के मरने के बाद बहुत मुझे बहुत मुश्किल हुई है, घर किराए वाला था। मैं नाउम्मीद हो गई थी, तो इस दारे ने मेरे साथ बहुत हेल्प की, बच्ची का ऑपरेशन का कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। इन्होंने बहुत मेरे साथ, सारे पूरे इदारे ने मेरे साथ बहुत हेल्प की है और मुझे खुशी बहुत महसूस हुई है कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी, नई ज़िंदगी मिल गई है। मैंने अच्छा महसूस किया है कि पहले तो मुझे चलने में मसला आता था, मैं चल भी सकती हूँ, खा पी भी सकती हूँ, खेल भी सकती हूँ। और फिर नीट का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की। कि मैं अभी भी इतना रोती हूँ, शुक्र है मेरी बेटी को लम्बी ने ज़िंदगी दी है। मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ, दिल से भी अभी भी निकलती है कि मेरी बेटी की उन्होंने जी बहुत दुआएं निकलती है। अल्लाह उनको और हिम्मत दे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।